वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे रिड्यूस सिलेबस ऑफ हिंदी ऑफ क्लास 10। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि आप ये जानकर बहुत खुश हो गए हैं एंड जानना चाहते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपके डिलीट हो गए। एंड स्टूडेंट्स, हम लोग फॉर्मेट भी स्टडी करेंगे, आपका एग्जाम का फॉर्मेट कैसा आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को एंड तक देखना है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हिंदी के 2 कोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ए कोर्स बी कोर्स। कुछ स्टूडेंट्स के पास ए कोर्स होता है, कुछ स्टूडेंट्स के पास बी कोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट का, दोनों कोर्स का पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, किस बुक से क्या आपका डिलीट कर दिया गया है, कौन सा टॉपिक एंड कैसा दोनों का पैटर्न होगा। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स ए से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कोर्स ए में 2 बुक्स होती हैं, जिसमें क्षितिज एंड कृतिका होती है। तो स्टूडेंट्स, क्षितिज से क्या डिलीट किया गया है, क्षितिज में स्टूडेंट्स काव्य खंड से 5 चैप्टर्स स्टूडेंट्स डिलीट कर दिए गए हैं। दैट इज देव, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, चकल रजा कुमार मार्थुल, मंगलेश जबराल। तो स्टूडेंट्स, ये 5 चैप्टर आपके रिड्यूस्ड कर दिए गए हैं, इन पे आप कट लगा दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं गदखंड की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स गदखंड से भी आपके ये 4 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। आप इन चैप्टर पे क्या कर दीजिए, अपनी बुक में कट लगा दीजिए। स्टूडेंट्स, हो गए आप हैप्पी? अब तो स्टूडेंट्स आपको 4 चैप्टर ये भी नहीं स्टडी करने, यानी कि टोटल 9 चैप्टर स्टूडेंट्स, 5 चैप्टर काव्यखंड से एंड 4 चैप्टर गदखंड से स्टूडेंट्स रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कृतिका। स्टूडेंट्स, कृतिका से भी डिलीट किया गया है सिलेबस 2 चैप्टर्स स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए 5, 4 एंड 2, तो स्टूडेंट्स 11 चैप्टर टोटल आपके डिलीट कर दिए गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया आप लोगों को कि आप अपनी बुक में इनमें कट लगा दीजिए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हिंदी कोर्स बी की बात करते हैं। अभी तक हमने हिंदी कोर्स ए की बुक्स देखी, अब हिंदी कोर्स बी में। तो स्टूडेंट्स, स्पर्श की अगर बात करते हैं पदखंड में, स्टूडेंट्स पदखंड से आपके ये 5 चैप्टर्स तो आने वाले हैं एग्जाम में, एंड ये जो 4 चैप्टर्स हैं आपके बिहारी, महादेवी वर्मा, विरेन डंगवाल, रविंद्रनाथ ठाकुर, तो स्टूडेंट्स ये 4 चैप्टर्स आपकी बुक से रिमूव कर दिए गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि आपको सिर्फ स्पर्श से 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। कबीर, मीराबाई, मैथिली शरण गोप, सुमित्रा नंदन पान, कैफी आजमी, स्टूडेंट्स सिर्फ 5 चैप्टर, 9 में से सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 रिमूव कर दिए गए हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, स्पर्श में गदखंड की बात करते हैं, टोटल 8 चैप्टर स्टूडेंट्स आते हैं, ओनली 4 स्टडी करने हैं, 4 यानी कि डिलीट कर दिया गया। 50% स्टूडेंट्स स्पर्श से आपका टॉपिक डिलीट कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स पढ़ना क्या है, पढ़ना है आपको प्रेमचंद, लीलाधर मंडलोई, नीदा फाजली, हबीब तनवीर, एंड रिमूव क्या क्या हुआ है स्टूडेंट्स, सीताराम सेकसरिया, प्रहलाद अग्रवाल, अंतोन चेखव, रविंद्र कैलेरवा। तो स्टूडेंट्स ये आपके 4 चैप्टर एग्जाम से रिड्यूस कर दिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। स्टूडेंट्स इस तरीके से इन पर आप कट लगा दीजिए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम हिंदी कोर्स ए का जो एग्जाम फॉर्मेट है स्टूडेंट्स वो स्टडी करेंगे, फिर बी का स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका जो फॉर्मेट आता है उसमें आता है आपका अपठित गद्यांश क्वेश्चन 1 में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 2 पार्ट में आता है। पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स अपठित गद्यांश का, जिसमें स्टूडेंट्स आपको 2 गद्यांश दिए होंगे, वो काव्यांश गद्यांश कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, एक गद्यांश होगा एंड काव्यांश होगा। तो स्टूडेंट्स उनमें से आपके क्या होंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, 1-1 मार्क्स ईच होगा, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स व्याकरण में आ जाते हैं। व्याकरण से स्टूडेंट्स आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, बोला है जिसमें से आपको 16 के आंसर देने हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स एक तो आएगा फर्स्ट आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद, 5 आएंगे 4 के आंसर देने हैं, वाच्य आएंगे स्टूडेंट्स, पद परिचय आएगा, रस आएगा। ठीक है, तो 16 मार्क्स का आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट क्षितिज भाग 2 इसकी बात करते हैं। क्षितिज से 2 पार्ट्स होते हैं, गदखंड एंड काव्यखंड। तो स्टूडेंट्स गदखंड से आपका क्या टॉपिक आएगा, गदखंड से स्टूडेंट्स आपको 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन करने हैं, 1 मार्क्स ईच करना है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे 5, वो आपको 1-1 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट क्षितिज से आपके गद पाठ के आधार पर 2 क्वेश्चन होंगे जो आपके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे कि आपका उन पर क्या विचार है, ठीक है। तो वो भी स्टूडेंट्स 1 मार्क्स ईच होगा, 2 मार्क्स के हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है काव्य खंड से। काव्य खंड से भी स्टूडेंट्स कविताओं के आधार पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स 1 मार्क्स ईच होगा, MCQs में आएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं इसमें दिख पा रहा है, हमारा क्षितिज से निर्धारित आप देखेंगे काव्य बोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, जो कि 1 मार्क्स ईच होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यानी कि 5 मार्क्स का ये हो गया एंड 2 मार्क्स के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपका टोटल यहाँ से हमारा क्षितिज से कितने मार्क्स का हो गया स्टूडेंट्स, 14 मार्क्स का हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें खंड बै से क्या आएगा स्टूडेंट्स, खंड बै में स्टूडेंट्स क्षितिज और कृतिका से आपके कदखंड, काव्यखंड और कृतिका तीनों से स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्षितिज से आपके स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कितने मार्क्स के स्टूडेंट्स होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। काव्य खंड से भी आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पहले MCQs वाले आए, फिर वेरी शॉर्ट वाले आए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके पहले अभी तक इस वाले पार्ट में हमने 1-1 मार्क्स के करे थे, बैखंड में आपके 2-2 मार्क्स के आएंगे। क्लियर, समझ आ गया स्टूडेंट्स। सेम आपसे कृतिका से भी 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है लेखन से। तो लेखन से स्टूडेंट्स आपका विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एंड व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से एक विषय पर 80 से आपको 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो स्टूडेंट्स 3 टॉपिक दिए होंगे, एक टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखना है जो भी आपको दिया होगा 5 मार्क्स का होगा। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद बैकखंड में हम बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक विषयों में से एक विषय पर पत्र लिखना है। तो औपचारिक स्टूडेंट्स फॉर्मल एंड अनौपचारिक इनफॉर्मल, ठीक है। तो यानी कि आपको दोनों पत्र दिए होंगे, किसी भी एक पर पत्र लिखना है। क्लियर, उसके बाद स्टूडेंट्स से आता है 25 से 50 शब्दों का आपको विज्ञापन, जैसे स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, हाँ ऐसे हिंदी में विज्ञापन होता है, वो आपको लिखना है और स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का होगा। क्लियर, नाउ स्टूडेंट संदेश लेखन मीन्स आपको संदेश देना है, संदेश आपको शुभकामनाएं देनी है किसी को, पर्व त्योहारों पर किसी चीज़ पर क्या संदेश देना है किसी को भी, तो वो 30 से 40 आपको वर्ड्स में लिखना होगा, एक लिखना होगा, 5 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट्स लेखन से भी आपका 20 मार्क्स का पेपर आएगा। क्लियर, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से टोटल पेपर कितने का हो जाएगा आपका, 80 मार्क्स का हो जाएगा। एक्सटर्नल होगा, 20 मार्क्स का स्टूडेंट्स इंटरनल होगा, जिसमें से आपका श्रवण तथा वाचन मींस आपका टीचर्स लिसन पेपर ले लेंगे और रिटन पेपर ले लेंगे। एंड परियोजना स्टूडेंट्स एक्टिविटी के बेस पे आपका 10 मार्क्स का होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स 80 एंड 10 100 मार्क्स का टोटल पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया ना आप लोगों को स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमारा कोर्स ए का एग्जाम फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स कोर्स बी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स कोर्स बी से भी आपको क्या दिया होगा, 4 अपठित गद्यांश दिए होंगे, 2 गद्यांश करने होंगे स्टूडेंट, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 1-1 मार्क्स के। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 10 मार्क्स के हो गए 2 गद्यांश। अब स्टूडेंट्स व्याकरण से बात करते हैं, आपके पद बंद आएगा जो व्याकरण का टॉपिक है, 1 मार्क्स का होगा, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण करना है स्टूडेंट्स, 5-5 दिए होंगे, कोई भी 4 करने हैं, 1 मार्क्स का ईच होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 4 हो जाएंगे। क्लियर, उसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका समास। समास भी स्टूडेंट्स 5 दिए होंगे, कोई 4 करने होंगे, 1 मार्क्स ईच होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मुहावरे आपको सिर्फ 4 दिए होंगे, सभी अनिवार्य होंगे, कंपलसरी होंगे, 1 मार्क्स ईच होगा।
क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी बुक की तरफ। स्पर्श से स्टूडेंट्स आपके काव्यखंड और गद्यखंड से 14 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें काव्यखंड से पहले आपके क्या आएंगे, एमसीक्यूज बहुविकल्पी क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच 4 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। सेम स्टूडेंट्स गद्यखंड से आपके 5-5 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स ईच 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर समझ आ गया ना स्टूडेंट्स आपको, मीन्स दो गद्यांश होंगे, 1 मार्क्स ईच 5 क्वेश्चन करने होंगे। नाउ स्टूडेंट्स विषय वस्तु पर आधारित आपको फिर से पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 खंड बे में स्टूडेंट्स आपको 2-2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके अकॉर्डिंग आपकी क्षमताओं को देखते हुए कि आप इसके बारे में अपना क्या आकलन करते हैं, आपको इस टाइप का टॉपिक दिया जाएगा एक, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेम स्टूडेंट संचयन से होगा आपका, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो 3 मार्क्स का स्टूडेंट वो क्वेश्चन होगा। क्लियर, टोटल 14 मार्क्स का हो जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स। सेम स्टूडेंट्स लेखन से आपका समसामयिक एंड व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं भी 3 विषयों में से एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा स्टूडेंट, जो भी आपको संकेत बिंदु दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स बै पोजिशन में आपको औपचारिक विषयों से संबंधित पत्र आएगा स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स का एक पत्र आएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ इनफॉर्मल वाला आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, औपचारिक विषय से रिलेटेड आएगा स्टूडेंट्स बै पार्ट यहाँ पे आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, सह पार्ट में आपका व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 30 से 40 शब्दों में सूचना लेखन, कोई भी सूचना देनी है आपको, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा सिर्फ। ठीक है नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होगा आपका विज्ञापन लेखन, तो 25 से 50 शब्दों पर विज्ञापन लिखना है स्टूडेंट्स, 1 होगा, 5 मार्क्स का होगा। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स लघु कथा लेखन, कोई भी छोटी स्टोरी या तो आपको पिक्चर दे दी जाएगी, उसके बेस पे आपको क्या लिखना है, कोई छोटी सी स्टोरी लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ श्रवण तथा वाचन स्टूडेंट्स आपको 10 मार्क्स का इंटरनल होगा, रिटर्न और आपका एग्जाम होगा ओरल का। ठीक है, एंड 10 मार्क्स का एक्टिविटी का एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 100 मार्क्स का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख लीजिए इसको अच्छे से, क्या क्या टॉपिक आए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया हो स्टूडेंट्स तो लाइक और कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे मालूम हो जाएगा आपको समझ आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।